ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਸਰ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁਕਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਜੋੜੀ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਣਕੇ ਲੈ वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। तख्त श्री दमदमा साहब की पावन पवित्र धरती से असी पिंड दे पतवंते पिछले लंबे समय तो संघर्ष लड़ते आए हैं आ रहे हैं। डेरा प्रेमिया ने कुछ धोखे तो दे नाल सरपंच तो दो बारी 13 और 15 उन्हें सहमति दे के लैटर पैड के उत्ते मते पा देते ने। पिंड का नाम बदली होकर आ गया, नोटिफिकेशन लागू हो गया, लागू हो गया। पिंड के लोगों ने विरोध कर दिता भी असी कोटली खुरद ही रखना है, असी प्रेम कोटली साढ़े उत्ते ना थोपया जाए। इजलास असी इजलास भी मंगया, सरपंच ने इजलास पहला बुला लिया फिर रद्द करवाया, आप ही भी पिंड के हालात बगड़ बिगड़ जाने जा रही हैं। असी अमन चाहते हैं, अमन के पुजारी हाँ, असी गुरमत प्रोग्राम कराने ना कि असी कोई होर प्रोग्राम कराने। सानू जथेदार जी ने यही विश्वास दवाया भी असी सिर मत्थे अकाल तख्त साहब नू भेज दिंदे हां, तुहाडे नाल हां। तो जिते असी कोटली खुरद रखना है जी, कोटली खुरद ही साडा पिंड का ना है जी, 200 साल पुराना ना है, माता के ना है जथेदार साहब जिहड़ा मौके का सरपंच है, इन्हां दी दादी के नाम से पिंड साडा बजिया वा, उस नाल ही असी जुड़े हुए हाँ। साडियां भावनावां नूं ठेस है जदों मतलब साडे बच्चियां नूं आउण वाले भविख नूं, साडा विरासत दे विच्चों आए हैं, असी कोटली कलां चों आए हैं, कोटली खुरद साडा पिंड है ते साडे बच्चियां नूं बलहारी कुदरत वसिया किसी समय उतों की पंचायत ने गलत पत्या के आधार पर और गलत ढंग के नाल उस पिंड का नाँ जिहड़ा है वह कोटली खुरद तो प्रेम कोटली जिहड़ा रख दिता गया सीगा। तो पंजाब सरकार ने जदों इहदी पड़ताल भी कराई, अदालत च केस चलिया तो यह साबित होया कि यह नोटिफिकेशन जिहड़ा करवाया गया गलत ढंग दे नाल करवाया गया। तो हुण सारा पिंड जिहड़ा है वह इस पिंड दे नाम नूं जिहड़ा है वह पुराना नाँ ही जिहड़ा कोटली खुरद रखण दे राह दे विच है, पर नोटिफिकेशन रद्द करवाउण वास्ते जनरल इजलास जिहड़ा पिंड दा सद के मता पाउणा हुंदा है। तो पिंड का जिहड़ा सरपंच है भावें अमृतधारी है पर वह बिल्कुल भी जिहड़ा जनरल इजलास सद्दण वास्ते पिंड वालिआं दे कहिण दे मुताबिक जिहड़ा तैयार नहीं है, जिहड़ा बहुत ही मंदभागी गल है क्योंकि जो सारा पिंड जिहड़ा है वह चाहुंदा है कि इस पिंड का नाँ जिहड़ा है वह कोटली खुरद ही होना चाहिए है। तो फिर सारे पिंड दीआं भावनावां दे मद्देनज़र सरकार नूं जिहड़ा है वह इसका नोटिफिकेशन जिहड़ा तुरंत गलत ढंग नाल जिहड़ा होया है उहनूं तुरंत जिहड़ा है वह रद्द करना चाहिए है। किसी कीमत दे उत्ते इस पिंड का नाँ जिहड़ा है वह प्रेम कोटली नहीं रखा जाना चाहिए। तो हुण तां आपां सारे जग जाहिर ही हो गया कि वह अखौती बाबा जिहड़ा है वह किस तरह जिहड़ा है अपने चेलियां दा शोषण करदा सी ते अज उह जेल दी हवा भी खा रहा। तो इहो जी पोजीशन दे विच उहदे नाम दे उत्ते जां उहनां दे डेरे वालिआं दे कहिण दे उत्ते जिहड़ा पिंड दा नाँ तब्दील करना जिहड़ा है इह समुच्चे पिंड वासियां दीआं भावनावां दे नाल खिलवाड़ है जिहड़ा किसी कीमत दे उत्ते होणा नहीं चाहीदा। अज नगर दे बछिंदे पहलां वी 1-2 वारी मिले ने, अज फिर मिलण वास्ते आए ने। तो श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते भी ये मामला जिहड़ा है वह असी लजावांगे विचारांगे उत्थे। तो खास तौर पर पिंड का सरपंच जिहड़ा हैगा वह मनो जिहड़ा है इस पिंड का नाँ जिहड़ा है वह दुबारा पुराना नाँ रखवाउण दे लई तैयार नहीं है। तो किसी ना किसी हद च गुप्त रूप दे विच डेरा जिहड़े श्रद्धालु उन्हां दी जिहड़ी मदद कर रहे जिहड़ी कि बड़ी गलत गल है, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि पिंड वालिआं ने सानूं जिहड़ा है ये जानकारी लिखती रूप दे विच दित्ती है, उहदे मुताबिक पिंड दे सरपंच नूं ऐसा करना शोभदा नहीं है।